उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं के परिणाम आ गए, जिसमें बागपत के श्री राम कॉलेज का एक विद्यार्थी 10वीं क्लास का विशुल चौधरी सेकंड नंबर पर आया है। हमारे साथ है, जानेंगे कि उनके जो कैसा लग रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जो हमने टारगेट दिया था वो हम अचीव कर पाए हैं। अच्छा, यस सर। आपने किस विषय की तैयारी की थी, आपको पता था ये आपकी इस मेहनत जो रही है उसके पीछे किसका योगदान? सर, सबसे बड़ा योगदान तो हमारे स्कूल स्टाफ मैनेजमेंट और हमारे टीचर्स का ही है, जिन्होंने हमें हर एक पॉइंट पे समझाया कि ये इस तरह से होना है। जिस भी मुझे डाउट होता था कि भाई ये मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो उसे एक्स्ट्रा टाइम देके समझाया। तो सबसे ज़्यादा तो मेरे टीचर्स की मेहनत है। फिर मैं अपने माता पिता का सहयोग देना चाहूँगा, उनको इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि उन्होंने ही अगर मुझे गाइड किया है। हर समय पर जब भी डिमोटिवेशन होता था तो वे बताते थे कि हाँ भाई तुम्हें मेहनत करनी है, तुम्हें पढ़ते रहना है, मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा काम नहीं बताते थे। तो मैं उनको दोनों को श्रेय देना चाहूँगा और सबसे ज़्यादा तो भगवान को ही, क्योंकि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ तक आ सका। आपका इस अब आप सेकंड नंबर पर आए हैं, तो आप आगे आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या बनना चाहेंगे? तो आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मतलब मैं नीट की तैयारी कर रहा हूँ अब से। तो 11 से मैंने तैयारी शुरू कर दी थी और फिर नीट यूजी का एग्जाम देना। अच्छा, तो आप इसके पीछे जो श्रेय आपने बता दिया अध्यापकों का है, परिवार का है, तो आपको लग रहा था कि जिस तरीके से आपकी तैयारी, आप सेकंड है या फर्स्ट है, इस पर क्या कहूँगा? जी सर, लग तो रहा था शुरू से। मैंने 11 से अपना गोल बना लिया था, जब मैं 10th में इतना अच्छी तरह से सक्सेस नहीं पा पाया था, मतलब मेरिट नहीं निकाल पाया था यूपी की, तो मैंने जब इसे टारगेट बना लिया था कि यूपी में तो निकालनी है चाहे जो हो जाए। लेकिन फिर थोड़ा डिमोटिवेशन भी आता था, लेकिन हाँ वो था कि जब टीचर्स की मेहनत होती थी साथ में तो लगता था कि यहाँ पे निकल जाएगा। जब मेरे बोर्ड एग्जाम भी हुए तो मुझे लग रहा था कि मेरी फर्स्ट या सेकंड रैंक तो आनी चाहिए, क्योंकि मतलब एग्जाम इस तरह से हुए थे, एक दो क्वेश्चन के अलावा और कुछ गलती होना ही नहीं था। तो बस ये उसी के लिए। अब भविष्य में बड़े होकर क्या बनना चाहिए? मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये थे हमारे साथ विशु, जो कि टॉपर आए हैं, और उन्होंने बताया है कि वो उनका जो अगला जो एम है वो डॉक्टर बनेंगे। लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये प्रांगण है ये श्री राम कॉलेज का, उधर देखना चाहेंगे। यहाँ विद्यार्थी भी हैं, काफ़ी बड़े पैमाने पर मीडियाकर्मी भी आए हैं, बहुत लोग हैं यहाँ जो देख सकते हैं। ये एक कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो बागपत का नाम रोशन करने वाले विशु चौधरी, यानी उनको देखने आ रहे हैं, उनसे मिलने आ रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं उधर ढोल नगाड़े भी आए हैं, मंगवाए हैं, और मिठाई लड्डू उनको खिलाकर फूल मालाओं से उस जो बच्चे का उसका स्वागत कर रहे हैं, और लोग दूर दराज से उनसे मिलने आ रहे हैं। जिस तरीके से बागपत का नाम रोशन करने वाले विशु, ये वो कॉलेज है जो पहले सालों में भी यहाँ के बच्चे टॉपर आते हैं। कैमरा सीक्यू के साथ मैं देवेंद्र चौहान, न्यूज़ स्टेट बागपत।